बेसिकली करते क्या है, पहले दो हाफ रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली अलग अलग बैलेंस, ऑक्सीडेशन वाले को भी और प्रोडक्शन बैलेंस करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इस पर बैलेंस करते हैं एटम्स अदर देन ऑक्सीजन है, जैसे क्रोमियम है, कार्बन है, सल्फर, ये बैलेंस करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, बट ध्यान रखना है ऑक्सीजन बैलेंस करते समय जो आपके पुराने नंबर्स हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ वाटर को डिस्टर्ब करना है। वाटर मतलब एक तरफ N2O लिखा है और दूसरी तरफ O2 या Cr2O3 लिखा है, व्हाटएवर, लेकिन इनके नंबर ऑक्सीजन के चेंज नहीं करते। आपको ऑक्सीजन वाटर लगा कर पड़ा, जहां पे वाटर ऑक्सीजन कम है पड़ा। फाइनली आप हाइड्रोजन बैलेंस करें और HI इसी क्वेश्चन में OH3 भी रखा हो, इस समय चुपचाप HI लगाइएगा, लास्ट स्टेप में OH3 एक ही तरीका रखें इससे पहले। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज, आप बच्चों चार्ज कैसे बैलेंस करते, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे आप, फाइनल इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो आप इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑक्सीडेशन ही लगाते हैं राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में लगाते हैं राइट हैंड साइड, या फिर सिंपल चार्ज बैलेंस करके देखिए जो एरो के लेफ्ट और राइट है चार्जेस बराबर, तो जहां पे भी प्लस चार्ज ज्यादा हो पर जितना ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन लग, ये चार्ज बैलेंस। एंड जो भी आपने इलेक्ट्रॉन लगाए जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, पूरी इक्वेशन अलग अलग, एंड इस तरीके से मल्टीप्लाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन बराबर, तो हम उसको सिंपल भाषा में कहते हैं सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो इलेक्ट्रॉन का चेन है, मान लो एक जगह दो इलेक्ट्रॉन है, एक जगह चार, तो दो और चार और सिंप्लीफाई 1 और 2 हो जाए, तो इस 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी एक जगह 1 है, दूसरी जगह 5 है, चुपचाप 1 वाले को छोड़ो, 5 वाले समय। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ते ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, इक्वेशन बैलेंस आ। कभी कभी इक्वेशन को जोड़ने के बाद दोनों तरफ HI और दोनों तरफ वाटर देखते हैं, ऑब्वियसली उसे वन साइड रख दीजिए, जहां ज्यादा है उसी तरफ रखिए, दूसरी तरफ माइनस। और कभी कभी इक्वेशन बेसिक मीडियम में चेंज करनी होगी फाइनल स्टेप के बाद, तो आप करेंगे क्या, जितने आपको HI लगे होंगे उतने ही OH दोनों तरफ, और एक तरफ वो H और OH के वाटर बनेंगे और दूसरी तरफ सिंपल OH दैट इज इन बेसिक। आई होप सो क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल थोड़ी सी बढ़ रहा है, ये हमने देखा Na+ C2O4-, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ, क्या चल रही है आवाज रुक के आ रही है सर, आ तो रही। अरे मैं शुरू में पूछता हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट है बच्चों, जब तक मैं आज का एक मिनट में करता हूँ जाए, मैंने माइक्रोफोन बंद करके ऑन किया है, तब तक इक्वेशन लिख दो है। MnO4- + oxalate ion गिविंग यू Mn+2+CO2, ठीक है, और इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। आप इसे बैलेंस करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तब तक मैं आवाज चेक करता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। अब हो गई, ठीक हो गई। ओके थैंक यू। चलिए चलिए स्टार्ट। गुड, करिए करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है।
वैसे एक इलेक्ट्रॉन का तरीका और बताऊंगा, लेकिन अभी आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। वेरी नाइस। तो बच्चों जैसे मेरे सामने कर रहे हैं तो मुझे पता है, तो आप लोग भी होपफुली कर चुके हो गए। ये MnO4- है, MnO4- Mn+2 में जाएगा, और बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है, स्टेप वाइज Mn बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो दोबारा लिखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि स्कूल लेवल पे वो चाहते हैं आप दोबारा लिखें, तो आपने दोबारा लिखना चाहिए फोर वाटर। फोर वाटर को एट एच आयन, भाई देख मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, प्लीज आप दोबारा लिखो, मैं इसी में एट एच आइन लिख दे रहा हूँ। एंड फॉलोड बाई, अब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का बेसिक तरीका ये है प्लस एट माइनस वन प्लस टू, मतलब प्लस सेवन है और प्लस टू है, फाइव का डिफरेंस है। यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, फाइव इलेक्ट्रॉन, ये पांच इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बेटा, और ये ऐड होंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी C2O4 माइनस टू गिविंग यू CO2। ऑब्वियसली पहले कार्बन बैलेंस करना है, यहाँ दो हैं, मैंने दो लगा दिए सीधा। ऑक्सीजन बैलेंस करना, वो बैलेंस दिख रही है, यहाँ चार है यहाँ चार है। जब ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, यहाँ माइनस टू है या जीरो है, तो माइनस टू तक जाने के लिए ऑब्वियसली जीरो में माइनस टू ऐड करूंगा तो माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू में तो माइनस वन ही ऐड करेंगे, ओके। अब यहाँ चेंज फाइव का है और बच्चों यहाँ चेंज टू का है, तो इस चेंज को सिंप्लीफाई का तो कोई सेंस ही नहीं रहा, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और ये इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी टू से, और ये इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी फाइव से, और ऐड करके आंसर आएगा। यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ गए हमारे टेन, सॉरी सिक्सटीन, 16, 8 to 16 H ion, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 MnO4 माइनस, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है इसको भी, सारे रिएक्टेंट एक साथ लिखेंगे ऑक्सलेट, प्लस इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू राइट हैंड साइड 2 Mn प्लस 2 एंड 5 to 10 CO2 एंड 8 वाटर, है ना। एक बार चेक कर लें, यहाँ 5 से थी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 10 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। और अब एक बार फिर भी रैंडम चेक कर रहा हूँ, Mn बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 16, 8 व्हाट टू जो 16 बैलेंस है, ऑक्सीजन 20 एंड 8 28, 20 एंड 8 28 बैलेंस है। लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी होता है बैलेंसिंग चेक करने में चार्ज, ना कि एटम। हम चार्ज चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है। 5 टू जो 10 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 16 प्लस 16 और माइनस 12 यानी प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ये इक्वेशन सही बैलेंस है। तो ध्यान रखना कई बार एटम बैलेंस दिखेंगे एग्जाम में और फिर भी वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं होगा। तो पॉइंट टू नोट इज दिस, खाली एटम बैलेंस होना जरूरी नहीं है, चार्ज बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कई बार ऐसे है, जैसे एल्यूमिनियम है आयरन से रिएक्ट किया, आयरन प्लस टू बन गया, या एल्यूमिनियम प्लस थ्री से आयरन प्लस टू से आयरन बन गया, और एल्यूमिनियम प्लस थ्री से एल्यूमिनियम, दोनों जगह एक एक एटम है, ठीक है। यहाँ एक एक एटम है आयरन प्लस टू से एल्यूमिनियम से, ये तो यहाँ एटम तो बैलेंस है, आयरन भी बैलेंस है 1-1, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है 1-1, ये इक्वेशन नॉन बैलेंस है। तो कई बार ऐसा हो जाता है आपको एटम बैलेंस दिखेंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया है उसे भी, और ये थोड़ा सा चलो सर सिंपली बोलते हैं बच्चों, ये इक्वेशन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Cl2 ले लिया, NaOH यानी OH ले लिया, Cl2 and OH नेगेटिव गिविंग यू Cl नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव। और अब की मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, वाटर कहाँ लगेंगे। अच्छा वाटर अभी शायद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद यही है,
चलिए करिए बैलेंस, वाटर अपने आप आ जाएंगे बेटा, चेक चेक करिए, करिए इस इक्वेशन को बैलेंस। और हिंट के लिए बता दूं कि कल या लास्ट टर्म पे हमने P4 प्लस NaOH पढ़ी थी, ये उसी की सिस्टर रिएक्शन कह लो, उसी की नेक्स्ट रिएक्शन। जो बच्चा बैलेंस कर ले वो सिर्फ OH और वाटर के नंबर बता दे मुझे कि OH इतने हैं, खाली OH के नंबर बता दे और वाटर के नंबर, तो मुझे पता लग जाएगा उसकी बैलेंसिंग सही है या नहीं। मतलब किसी एक का भी ठीक से नंबर बता देगा तो पता लग जाता है कि सही बैलेंस है। बेटा क्या किया, देख लिया आपकी कॉपी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, करिए स्टार्ट फास्ट। आज चलो अच्छा पहले इसको कर लिया हो तो मैं बताऊं, एक स्टेप आगे करें। बेटा तरीका हमारा वही है, Cl2 ही दोनों जगह चेंज हो रहा है, Cl2 ही नेगेटिव में जा रहा है और Cl2 ही ClO3 नेगेटिव में, तो पहला पॉइंट ये करना चाहिए। एटम Cl2 में दो होते हैं तो दोनों तरफ दो कर लेने चाहिए। फिर यहाँ क्लोरीन में तो कुछ और है ही नहीं, सिर्फ क्लोरीन के एटम बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन करने हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन आपको लगे आई मीन जो रिडक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ अभी 6 ऑक्सीजन है तो अभी आप 6 ऑक्सीजन के लिए 6 वाटर लगाइए और 6 वाटर के लिए शायद 12 HI लगाएंगे। ठीक है, अभी HI में रहने दीजिए, डोंट पैनिक कि आंसर में OH माना है, मांगा है, लास्ट में OH अपने आप हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, पहले दो एटम कर लिए, 6 ऑक्सीजन कर लिए, 12 हाइड्रोजन कर लिए, नाउ चार्ज, यहाँ तो जीरो है तो इधर भी जीरो करना पड़ेगा और ये है प्लस 12 माइनस 2 यानी प्लस 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दें जिससे कि प्लस 10 और माइनस 10 मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो हो जाएंगे। आई होप सो क्लियर है, तो यहाँ प्लस 10 और माइनस 10 मिलके जीरो। ठीक है बेटा, ये जीरो हो गया ना। अब अगला पॉइंट, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 हो जाएंगे, उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, बेसिकली सिंप्लीफाई किया है, 2 और 10 का सिंप्लीफिकेशन 1 और 5 आया, तो 1 से एक तरफ 5 से एक तरफ मल्टीप्लाई, तो जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बेटा जोड़ के लिखा है तो मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूँ, 5 टू जे 10 क्लोरीन एटम और यहाँ से 2 क्लोरीन एटम, अच्छा है तो दोनों ही क्लोरीन तो 12 क्लोरीन लिख सकते हैं, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं था ना, 6 वाटर, ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में बेटा 10 क्लोराइड आयन, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं था, वहां और कुछ है नहीं, तो 2 ClO3 आयन एंड 12 H आयन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बच्चों अगला स्टेप, ऑब्वियसली पहले से इकट्ठे लिख लें क्योंकि हैं ये दोनों क्लोरीन, तो 12 क्लोरीन गिविंग यू, या सॉरी 12 क्लोरीन प्लस 6 वाटर गिविंग यू 10 क्लोराइड आयन प्लस 2 ClO3 आयन
प्लस 12 एच आयन। अब हमें फिर से दिख रहा है पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 12 क्लोरीन है, 6 है, 10 है, 2 से ही डिवाइड होगा, 2 से ज्यादा से नहीं होगा, तो 2 से L2, 3 वाटर है ना, और यहाँ पे आ गया 5 क्लोराइड आयन ClO3 आयन एंड 6 एच आयन। अब मैंने कहा नहीं मुझे तो बेसिक मीडियम चाहिए, तो अगर बेसिक मीडियम चाहिए तो जितने एच आयन हैं उतने OH आयन दोनों तरफ लिख दीजिए, मतलब 6 OH इधर और 6 OH उधर। नाउ बेटा ये चीज मिला के कहेंगे 6 वाटर, तो अब 6 वाटर इधर और 3 वाटर इधर ऐसे भी नहीं चलेगा, तो ये भी कैंसिल आउट करके 3 कर देंगे और फाइनल आंसर अब आपका आ गया 6 Cl2 प्लस 6 OH आयन। एक बार आप चेक जरूर करिएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है शायद नहीं बैलेंस है, क्लोरीन गलत कर दिया ना, कर दिया गया कहीं ना कहीं तो गलत कर ही दिया, आई एम सॉरी बेटा गलती हो गई। 10 Cl नहीं आने चाहिए ना, 5 होने चाहिए। यस नहीं देख लेते हमने कहां गलती की है बेटा, ये वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन में 5 Cl2 थे और ये मैंने पता नहीं किस खुशी में 10 लिखे थे लेकिन ये 5 ही थे है ना, 5 Cl2 ही थे और यहाँ मल्टीप्लाई किसी से हुआ ही नहीं था, यहाँ 1 Cl2 था, वेरी बैड, तो ये टोटल 6 Cl2 थे और 6 Cl2 का जब हाफ करेंगे तो 3 Cl2 आएंगे, सॉरी तो ये मेरी गलती हो गई, एक्सेप्टेड मुझे लग रहा था क्योंकि वहां क्लोरीन 12 हो रहे थे यहाँ 6 दिख रहे थे, ये ऐसे आएंगे और अब यहाँ 3 वाटर आएगा, सॉरी फॉर इट बेटा, ये फाइनल इक्वेशन आएगी। आप लोगों को अगर क्लियर है तो 1 और अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा एक बार स्टार्टिंग से करूंगा, वेरी गुड क्लियर है ना, तो अब हम नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं, वेरी नाइस सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों अगली हेडिंग। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, थोड़ा सा और हायर लेवल का, थोड़ा सा हायर लेवल का करा रहा हूँ और थोड़ा देख लीजिएगा ये हायर लेवल क्या है, मतलब क्या है इसका बच्चों, अगर ये है MnO4- FeC2O4, ये कहलाता है फेरस ऑक्सलेट और ये चेंज हो रहा है फेरिक में और CO2 में और MnO4 में, सॉरी Mn+2 में, एसिडिक मीडियम है और क्वेश्चन में कहा बैलेंस करो। पहले आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करिए, तब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, ये Mn+2 लिखा है, तो बच्चों इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना एक स्टेप अहेड है, छोटा सा स्टेप इसमें अहेड है, वो ये कि ये तो कॉमन था MnO4- Mn+2 में जाएगा और पहले की तरह 4 वाटर 8 एच आयन और फिर 5 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल पहले की तरह, तो ये एज बिफोर है जो मैंने खत्म कर दिया। बट इसमें जो काम की बात या अलग बात है वो ये एक्चुअली इसमें ना FeC2O4 जो है फेरस ऑक्सलेट, इसमें ना आयरन प्लस 2 में है और ऑक्सलेट पूरा -2 में होता है और ये आयरन भी +3 में जा रहा है। व्हाट आई मीन टू से ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं यहाँ Fe को भी अगर आयनाइज करें तो Fe+3 में जा रहा है, ये Fe की बैलेंसिंग, और ये जो ऑक्सलेट है ये CO2 में जा रहा है, ये ऑक्सलेट की बैलेंस है। देखिए पहले आयरन तो बैलेंस ही थे तो एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना था, +2 से +3 में एक का अंतर है तो वो ऑब्वियसली प्लस जहां ज्यादा होगा वहां, यहाँ कार्बन 2 थे 2 कर दिए बच्चों, ऑक्सीजन 4 थे तो 4 ही दिख रहे हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं, -2 के लिए इधर भी -2 आ गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना मैंने जैसे लिखा है उस हिसाब से, बेटा देखिए इसमें मैंने
लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, दैट इज ये रिडक्शन है. इसमें मैंने राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है. तो इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, दो ये छोड़ रहे हैं, यानी मिला के तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं. अब यहां इसको जब एड करके आप लिखेंगे तो बच्चों आप लिखेंगे Fe प्लस टू, और ये पूरा एक ही कंपाउंड है तो एक ही साथ लिखते हैं ना, FeC2O4, ये चेंज हो गया है Fe प्लस थ्री, ट्वाइस CO2 एंड ट्वाइस इलेक्ट्रॉन. तो मैंने इसे स्टेप में करके आपको दिखाया है कि ये सॉरी ये थ्री इलेक्ट्रॉन है. मैंने आपको स्टेप में कैसे करके दिखाया है कि भाई आयरन में भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, और ये स्लो एंड ग्रेजुअल आपको याद होगा कि ऑक्सलेट आयन पे माइनस टू चार्ज होता है, ये फेरस ऑक्सलेट है तो आयरन प्लस टू है, और आयरन बाद में प्लस थ्री है तो आयरन इज ऑल्सो लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सलेट को फिर, और बेटर यही है कि आप आयनाइज करके ही करिए, क्योंकि आप इकट्ठे ऐसी सी टू ओ फोर लिखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी. ये आयनाइज करके लिखेंगे तो ये बन गया. और अब जब ये फाइनल इक्वेशन बन गई, अब आपके पास सिंपल तरीका है, इसके आगे का आप समझते हो. ये पांच इलेक्ट्रॉन और ये तीन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई की तो वही नहीं है, जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, आपका आंसर आ जाएगा. तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस पॉइंट कि कभी कभी एक से ज्यादा चीजें इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होंगी, तो जो एक से ज्यादा चीजें इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे. जैसे यहाँ दो चीजों ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो दोनों का ऐड मतलब नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे था मल्टीप्लाई. बट ये गलती आप वैसे नहीं करेंगे कि मान लिया पिछले क्वेश्चन में क्लोरीन ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, पांच लूज किए, तीन गेन किया, तो यहाँ पे कोई एवरेजिंग नहीं कर सकते कि पांच माइनस थ्री. ये एक लॉस चीज है, एक गेन चीज है. जितना भी लॉस हुआ है वो एक साथ ऐड किया जा सकता है, जितना गेन हुआ वो एक साथ ऐड किया जा सकता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. लेकिन डायरेक्ट ये सोचो कि तीन का लॉस दो का गेन, इन्हें डायरेक्ट माइनस प्लस कर दो, ऐसा नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सो समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं. तो यहाँ तो हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिछले केस में हमने सिंपल ऐड नहीं किया था. जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने गेन किए, तो लॉस और गेन अलग अलग चीजें हैं. जितने भी लॉसेस हैं वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये टोटल लॉस आ गया, यहाँ टोटल गेन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई. बोलो बच्चों ये वाला कंसेप्ट क्लियर है अब आपको? ठीक है बेटा. नेक्स्ट हेडिंग इज, अब अगली हेडिंग है हमारी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. हेडिंग लिखिए बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. By oxidation number method. ठीक है बेटा, हमें balance करनी है by oxidation number method. बच्चों इसमें obviously oxidation number निकालना है, balance करना है तो वही चीज, बस strategy थोड़ी सी उल्टी है, थोड़ी सी. मैं दोनों को compare करके भी दिखाऊंगा अभी कि opposite क्या है. यहाँ पे हम कहते हैं कि सबसे पहला काम यहाँ पे है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा पर मोल. तो यहाँ सबसे पहला काम है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो उसे निकाल लो. और पर मोल का मतलब होता है पूरे मोल में, पूरे मॉलिक्यूल में. मतलब क्लोरीन के अगर दो एटम है और एक एटम में आपको वन का चेंज दिख रहा है तो रिएक्टेंट के दो आइटम में टोटल चेंज बताना पड़ेगा, वो टू का हो जाएगा. या पिछले क्वेश्चन में ये लिखा था और ये इसमें जा रहा था, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर थ्री आएगा, यहाँ फोर आएगा, तो ये चेंज आएगा वन का, लेकिन यहाँ वन नहीं टू का लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल में दो एटम है तो दोनों एटम में चेंज चाहिए. तो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहा है, क्या निकालना है? पर मोल. तो यहाँ का पहला पॉइंट ये है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिटरमाइन देयर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल. देखिए पहला पॉइंट, डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मोबाइल,
डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पहले पता कर लीजिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एंड देन फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल. फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, पर मोल में कितने का चेंज हुआ है. फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल. ठीक है, जैसे सपोज साथ में एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये MnO4 है, ये ऑक्सलेट से रिएक्ट किया, ये Mn प्लस टू में गया और ये CO2 में. ध्यान रखना यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इस Mn का निकालना है, इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर प्लस सेवन है, यहाँ प्लस टू, तो Mn में चेंज देखना है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है. एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन ए एटम, तो इस माइनस वन से मत देखने लगना. Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, उसका चेंज फाइव आया. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर थ्री था, फोर हुआ, वन का चेंज हुआ, लेकिन चेंज मानेंगे टू का, ठीक है, क्योंकि दो एटम है, ये बताया था. तो सबसे पहला काम आपका क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला. इसे सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए कितना सिंपल पैटर्न है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ये आया, ये आया, इन दोनों को सिंप्लीफाई, अब हो ही नहीं रहे सिंप्लीफाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये टू यहाँ आ गया और ये फाइव यहाँ आ गया, और अब इन नंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है. तो यहाँ का पहला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो, उनका चेंज निकालो, उस चेंज को सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो अगर तुम्हें समझ में आया हो, बेसिकली पिछले मेथड में जो सबसे आखिरी में किया था ना बैलेंस करते समय, इलेक्ट्रॉन लगाए थे सबसे आखिरी के तरफ, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए थे और फिर उन इलेक्ट्रॉन के जो नंबर आए थे उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. यहां उससे शुरुआत है, ये शुरुआत है, यहां पहले ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आ गए. और अभी आप देखिएगा उस मेथड वाले क्वेश्चंस में यहां इतने ही इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं. तो यहां पे सबसे पहले चेंज निकालते हैं, यानी बेसिकली जो पिछले मेथड के इलेक्ट्रॉन थे वो निकाल लिए और उन चेंज को सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी चार्ज बैलेंस यहाँ की प्रायोरिटी है. वहां चार्ज एटम बैलेंस करने के बाद किया गया था, यहाँ चार्ज पहले बैलेंस किया जा रहा है, अब एटम शुरू होंगे. इज इट क्लियर? और एटम बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल पिछले जैसा है, बस वही है कि वहां का जो चौथा पॉइंट था ना इलेक्ट्रॉन लगाने वाला, वो यहाँ सबसे पहले आ गया है. और फिर था कि दोनों इक्वेशन को जोड़ो, यहाँ इक्वेशन तोड़ी ही नहीं है तो जोड़ने का कोई सेंस ही नहीं है, बस यहाँ सिंपल यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना. तो यहाँ बच काहे से गए, इक्वेशन को दो बारी लिखने से बच गए, दोनों को अलग अलग बैलेंस करने से बच गए, एक ही बार में काम हो जाएगा. तो आपने पहला पॉइंट लिखा है डिटरमाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिटरमाइन देयर चेंज. ठीक है, और इसी के आगे कंटिन्यूटी में क्या आ जाएगा, चेंज निकालने के बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस चेंज. लिखो जल्दी से, ये वाला चेंज जो आएगा उसे सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस चेंज. और ऐसा करने से बच्चों क्या चीज बैलेंस हो गई, ऐसा करने से चार्ज बैलेंस हो गया, सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज, और बेटा ऐसे से चार्ज बैलेंस होगा. ठीक है बच्चों, तो यहां तक करने से क्या चीज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया. ठीक है, ओके, तो आपने पहला पॉइंट निकल लिया है डिटरमाइन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल. इसे जरा पर मोल को अंडरलाइन रखना, ये भूल जाते हैं, खाली एक एटम का चेंज निकाल देते हैं, पर मोल को अंडरलाइन कर लो. और सिंप्लीफाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज बाय दिस चार्ज इज बैलेंस, ये हुआ पहला मेथड. अब सेकेंड पॉइंट बच्चों, इसके सेकंड पॉइंट में ये जरा ध्यान रखिएगा, ये जो तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है ना, इसे डिस्टर्ब मत करिएगा, ये कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे. मतलब यहाँ 2 Mn है तो वहां 2 कर दीजिए, यहाँ 10 कार्बन है तो वहां 10 कर दीजिए, बाई चांस यहाँ 5 कार्बन होते बाई चांस और वहां 2 होते, तो ये नहीं करना है कि इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसे 5 से ना, इस 5 को देखते हुए उसे किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करिए कि वो 5 हो जाए, 5 by 2 से मल्टीप्लाई करिए. मतलब ये नंबर इनिशियली कांस्टेंट रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर 2 और 5 आए हैं ये चार्ज बैलेंस करके आए हैं, और जैसे अगर आपने ये नंबर चेंज करोगे तो चार्जेस फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए.
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखें, सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, सेकंड का एक सेकंड पॉइंट का नाम दे सकते हैं हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग। इसके बाद आप हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग करेंगे और सेकंड का ए पॉइंट बैलेंस एलिमेंट, बैलेंस करिएगा एलिमेंट, बैलेंस एलिमेंट अदर देन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बिल्कुल पिछली तरीके से ना, बैलेंस एलिमेंट अदर देन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आई होप सो आप पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, मेरे को सही से सुन रहे हैं। तो यहां नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं आएगा, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएगा, लिख के बैठा हुआ नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तुम में भी कई ऐसे होंगे जो अभी भी मतलब चल रहा है, पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ाते रहो, हम पढ़ते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। भैया नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैसे आ गया यार, हद हो गई, अभी तक मैंने नाम भी नहीं बोला तुमने लिख लिया है, ऐसे कैसे। तो भैया बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, और बिल्कुल पिछली तरीके से। अब अगला पॉइंट लिखे बैलेंस हाइड्रोजन विद एच आयन, कई अभी भी नहीं सुधरे हैं। अबे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं फिर हाइड्रोजन करते हैं ना, तो काहे लिख लिया बैलेंस हाइड्रोजन विद एच आयन। हाँ तो देख इंटेलिजेंस बड़े भारी है, कह रहे देखो मैंने खाली बैलेंस लिखा। अरे बच्चों आपको लिखना है बैलेंस ऑक्सीजन विद यूज ऑफ वाटर H2O, सब पे पानी फेर दो, देन बैलेंस हाइड्रोजन विद यूज ऑफ एच आयन, यहीं पे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, इसलिए मेथड थोड़ा आसान है, ठीक है। अरे भैया किसी को डाउट है थ्योरी लिखने में, वन लिख दो यार, ये अगर डाउट है टू लिख दो, नहीं है तो वन लिखो जल्दी से, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, सही है। तो बेटा कल आप इसकी प्रॉब्लम्स करके लाएंगे, और कल शायद एक मैरिज है मेरे घर में, तो मैं शायद नहीं आऊंगा, शायद क्या यार झूठ क्या बोला, नहीं आऊंगा ना। मैम आपकी ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे तो लेंगी, और कल आपके डाउट्स इस चैप्टर के पूरे बताए जाएंगे। और क्या बैलेंसिंग का टेस्ट दे सकते हो कल, दे दूं बैलेंसिंग के 10 क्वेश्चन, टेस्ट के नाम से आधे से ज्यादा तो कहते हम बोलेंगे ही नहीं। चलिए एक बच्चे ने कहा बिल्कुल दे सकते हैं टेस्ट, वन लिख दिया, बाकी तो वन भी नहीं लिख रहे। तो कल बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का टेस्ट होगा, दोनों मेथड से आपको टेस्ट देना है, ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, और दो मेथड कौन से होंगे, आयन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। चलिए बच्चों इतना ही, थैंक यू सर, यू आर वेलकम।